सत श्री अकाल जी सारयां नूं। कल मैं ट्वीट कीती सी जिच लॉरेंस बिश्नोई नूं किस तरीके नाल पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार और खास तौर ते पंजाब दे चीफ मिनिस्टर जिहड़े होम मिनिस्टर भी है जेल मिनिस्टर भी रहे है भगवंत मान उहदी मदद कर रहा है। वह इस गल तो साफ है कि आ कैंसलेशन रिपोर्ट है जी उस केस च और सारी उहदे हक दी गल करदिआं होइआं जिहड़ी इंटरव्यू होई सी जेल चो उस इंटरव्यू च जिहड़ी पुलिस कस्टडी च इंटरव्यू होई सी बड़ी वड्डी इनक्वायरी हुई सू मोटो नोटिस हाई कोर्ट ने लिया और उस केस च कल कैंसलेशन रिपोर्ट पाती गई है अनट्रेस्ड रिपोर्ट पाती गई और कमाल दी गल इह है कि लॉरेंस बिश्नोई का सिक्का भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी दे किस तरीके का चलता है कि जिहड़े बंदे ने सिद्धू मूसेवाले का कतल जेल चो बैठा करता होवे जिस बंदे ने सलमान खान नू मारन दी इह धैया कीता और उते एक नहीं कई जानलेवा हमले करते हैं जिन्हें कुछ दिन पहला बाबा सिद्दकी दे केस च केस सामने आया जिस ओनू कतल करता गया और यह कहा गया कि तेरे मुंडे नू भी मारांगे। कई होर अनगिनत फरौतियां टारगेटेड किलिंग करने वाला लॉरेंस बिश्नोई उहदे इंटरव्यू दे केस च जिहदे च पहला इनकुआयरी नू गोलमोल करने की कोशिश की गई दो मैंबरी कमेटी बनाई भगवंत मान ने और यह गल कही कि इंटरव्यू इत्थे होई नहीं। फिर हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डीजीपी प्रबोध कुमार जी नूं ड्यूटी दिती उन्होंने कहा कि इंटरव्यू इत्थे होई खरड़ च होई और पुलिस कस्टडी च होई। उस केस च नौ दस नूं उहदे च आ अक्टूबर दे महीने च कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल करती है लॉरेंस बिश्नोई दे इस सारे मामले नूं अनट्रेस्ड और वह केस नूं कैंसल करता है। तुसीं हैरान होंगे सारियां धारावां हटातियां 384 एक्सटॉर्शन नॉन बेलेबल सी वह हटाता डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस एविडेंस मिटाना 201 सत साल की सज़ा नॉन बेलेबल वह हटाता 202 इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इनफॉर्मेशन ऑफ अवेंस वह हटाता 116 पुलिस ते लगदा सीगा अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट वह हटाता 120 कॉन्सपिरेसी वह हटाती सिर्फ ते सिर्फ एक निका जा नॉन अवेलेबल 506 की कार्रवाई करके छड़ती। मैनू यह दसो इस बंदे की एडी शक्ति का दी सरकारां यह चला रहा फिर मतलब भगवंत मान नूं तां चलाउण वाला लॉरेंस बिश्नोई हो गया पहला दिल्ली की तिहाड़ जेल चो बह के इत्थे मर्डर कर देना जिहदे लिंक पाकिस्तान नाल ने जिहड़ा एक पाकिस्तान दे वड्डे गैंगस्टर नूं वधाई दे रहा सी जिहदा अमरीका तक कैनेडा तक एपी ढिल्लों ते घर दे बाहर फायरिंग करा दवे जिहदे किड्डे किड्डे आरोप इंटरनेशनल सरकारां जिहदे ते आरोप ला रही है उहदी तुसीं इह वेख लो किन्नी चलदी है कि अज उहदे केस च अनट्रेस्ड रिपोर्ट अज उहदे केस च उहदे हक दी गल पंजाब दी आम आदमी पार्टी ने कीती है। इसलिए मैं तो लोगों नूं बेनती करदा कि भाई इस सरकार तो आस कोई ना रखे सब दी जान खतरे च मैं जे बोल रहा तो पता नहीं कितने मेरे दुआले ही हो जा मगर मैं मन बना लिया सी कि इह जी सरकारां नूं एक्सपोज करना और जिन्हां दे नाल इसने बेइंसाफी कीती है उन्हां दी आवाज़ बुलंद करना मेरा फर्ज है। मैनू भी कई फोन कॉल कई ये आउणगियां मैनू धमकाउणगे मगर सच कहण तो मैं हट नहीं सकता कि मजबूरी रही है भगवंत मान कि जिहदे खिलाफ उन्हां अफसरां ने जिन्हें इंटरव्यू कराई उन्हां दे खिलाफ एक्शन चाहीदा सी दे शुड हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस उन्हां दी मदद कीती जा रही और इस गैंगस्टर की मदद कीती जा रही है जिहदा अज सारे देश दुनिया च जिन्हें एक्सटॉर्शन का अंडरवर्ल्ड क्राइम का अज दाऊद इब्राहिम तो बाद अगला नौ वड्डा बन के आया जिहदे लिंक पाकिस्तान दे ISI नाल भी जुड़दे आ जिहड़ा पाकिस्तान च बैठिया गैंगस्टर नूं वधाइयां दे रहा साइयां वधाइयां ला रहा उस लॉरेंस बिश्नोई दी सरकार नूं मदद करन दी मजबूरी की है। मैं जरूर चाहूंगा भगवंत मान दसन और मैं अज डिमांड करदा कि इहदी इनकुआयरी
कि ये कैंसलेशन रिपोर्ट की मजबूरी बनी है भगवंत मान की, एदी सीबीआई इनक्वायरी होवे, सुप्रीम कोर्ट मोनिटर्ड एदे ते एक्शन होवे और इस कैंसलेशन रिपोर्ट नू डंप किया जावे, इनू पासे रखा जावे और जो बनती कार्रवाई है सख्त तो सख्त कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ और उन्हां पुलिस अफसरां के खिलाफ जिहड़ी इहदी मदद कर रहे सी इंटरव्यू कराउण च, कि ड्रेडेड गैंगस्टर जिहदे ते घट्टो घट 1000 पुलिस वाला लाया होवे उह खरड़ दी जेल च बह के मौज नाल इंटरव्यू दवे ते थ्रैट करे लोकां नू और कहे हां मैं मर्डर कीता है, ते तुसीं समझदे हो कि सलमान खान सेफ है? तुसीं समझदे हो कि एपी ढिल्लों सेफ है? करोड़ां रुपए का एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाउण वाले की मदद क्यों हो रही है? इस सच्चाई सामने आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।